मैं कैसे कहूँ उसका साथ कैसा है। वो एक शख्स पूरी कायनात जैसा है। सुना है झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है, फिर क्या था, ईंट मार कर आ गई, आता ही होगा मुझे आई लव यू बोलने के लिए। ये देखो किसी महान कवि ने लिखा है कि आदमियों को भी औरतों के बराबर बोलने का मौका देना चाहिए। वो बेचारा भी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया। जनाब इसने गुखाना छोड़ दिया। हाँ? नहीं नहीं छोड़ा, अब छोड़ दिया। मतलब पहले खाता था। रे खाना गरम कर दे बाबू, तुम बात बात में रोमांटिक क्यों हो जाओ। हाँ, बस इसी काम के लिए तो रह गई हूँ मैं, तुम दारू पे क्यों, मैं खाना गरम करूँ। मतलब तू के चावे, दारू भी तू ही पिएगी। नहीं पागल थे जो मोहल्ले भर में झंडा पिटाई कि मेरे पति देव मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। असल में मालिक ने रोक लिया तो। मालिक के गले में बांधना था ना मंगलसूत्र, मेरे गले में क्यों बांध दिया। पप्पू की माँ बोली, क्या हुआ काजल, कहीं नहीं सिनेमा देखने। ये देखो किसी महान कवि ने लिखा है कि आदमियों को भी औरतों के बराबर बोलने का मौका देना चाहिए। वो बेचारा भी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया। बहुत करीब से परखा इस दुनिया को, यहाँ इंसान नहीं उसका वक्त बोलता है। सुनो ना, मैं तब भी झुक के बांध दूंगा गई जब से तुम्हारे पैरों में पायल, जिस उम्र में झुकने पर तुझे से जुड़ेगी मेरी दास्तां। अब पर मेरी कमर में दर्द होगा तुझसे। मेरी मेहंदी का रंग इस बात का गवाह है कि मेरा महबूब जान देता है मुझ पे। इश्क समझो या कब्जा, तुम सिर्फ मेरे हो। चन्नावे गल सुन मेरी, पहमेता होगी तेरी। नहीं सही आ रहा। कैसे भूल जनाब इसने गुखाना छोड़ दिया। हाँ? नहीं नहीं छोड़ा, अब छोड़ दिया। मतलब पहले खाता था। मैं जा रहा हूँ यार।